على سيد المرسلين والأنبياء وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلاة والسلام عليك يا سيدي رحمة للعالمين. صلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين. صلاة والسلام عليك يا سيدي إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. بس السامعين الكرام، میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، عید الفطر ہم اپنی پاکستانی لینگویج میں کبھی کبھی چھوٹی عید کہتے ہیں. یہ خوشی کا مسلمانوں کے لیے دن ہے، یہ مبارک دن ہے. میں طرف سے، مسجد کے منتظمین کی طرف سے آپ سب حضرات کو عید الفطر کی مبارک پیش کرتا ہوں اور بارگاہ خداوندی میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ اس عید کو میرے لیے، آپ کے لیے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہی نہیں، اللہ اپنی ہر مخلوق کے لیے اسے باعث خیر و برکت. دنیا کی ساری قومیں خصوصی دن مناتی ہیں، اور آج سے نہیں، if we look to the ancient civilizations from Greek civilization and Egyptian, the Indian and the Romans, every nation
They celebrate their special days. Celebration of special days, it shows how a nation collectively thinks. जो उनके कौमी दिन है, इससे ये मालूम होता है कि वो कौमें जो दिन मना रही हैं किस अंदाज से सोचती हैं। आप क्रिसमस में रह रहे हैं, हम क्रिश्चियन क्रिसमस मनाते हैं, हिंदू दिवाली मनाते हैं, सिख बैसाखी मनाते हैं और भी यहूदी मुतश्ती मजूसी हर मजहब हर कौम उनमें और इस्लाम के दिनों जरा गौर करें। हमारे यहाँ इस ईद का नाम है ईदुल फित्र। ईद एक माना लौटना, कुरान मजीद के अंदर नौवें पारे के शुरू में है, قال الذي نستكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب او لتعودن في ملتنا। यानी वाह قوم شعيب السلام कौन उनको कह रही है जो उनके बड़े बड़े मुतकबरीन थे बड़े थे। वो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं कि अगर तुम वापस जिस मजहब पर हम हैं न लौटे तो हम तुम्हें यहां से निकाल देंगे। तो ईद का मतलब है लौटना। अगला लफ्ज है फित्र। फित्र का मतलब होता है पहली मर्तबा या पहले जैसा। अब जिसको हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि मैं सोच रहा था कि अल्लाह कहता है मैं फातिर हूं पर ईदुल फित्र हुजूर ने इसका नाम रखा तो मैसेज क्या है। फितर के मीनिंग पर मैं गौर कर रहा था कि दो देहाती आए टू विलेजर्स वो किसी मामले में झगड़ रहे थे क्वरलिंग ऑन सम मैटर। उनमें से एक कहने लगा कि ये जो कुआं है आना फतर तो अव्वल पहली मर्तबा इस कुएं को खोदने की इब्तिदा मैंने की। अब हुजूर ने फरमाया ये ईदुल फितर है। क्या मतलब? इसको आप उस हदीस से जोड़े जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबाए हुज्जतुल विदा दे रहे हैं आपके सामने 1,24,000 के कमोबेश लोग सहाबा वो बैठे हैं, हर आदमी उनमें मुत्तकी है, साबिर है, जाहिद है, आदिल है, मुहसिन है। जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उन सहाबा को देख के इन एवरी सहाबी was sitting in front of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a righteous person, a pious person, and he was very kind to all the other people. Huzoor ne farmaya, aaj zamana us par laut kar wapas aa gaya hai jis pe Allah ne zamane ko banaya hai. यानी जो अल्लाह चाहता है ना, कुरान ने सूरह जुमर में उसे जो बयान किया कि वह अशराकतिल अर्दो बिनूर रब्बिहा, कायनात अपने रब के नूर से जगमगा उठी। ये कैसे जगमगाई? कुरान मजीद ने उसको इस आयत में जो बयान किया और ईद उल फितर का आज की इस ईद का जो मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं वो यही है। रमजान मुबारक में हमने रोजे रखे,
क्यों रोजे रखे? कि कुरान ने कहा इस महीने में कुरान मजीद नाजल किया है। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फीहिल कुरान, कहा रमजान वो है महीना जिसमें कुरान मजीद नाजल किया। للناس وبينات من الهدى والفرقان, ये कुरान सारे इंसानों के लिए हदायत है। ये कुरान ये हदायत दलाइल के साथ है, ये हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाली किताब है। बस इसके शुक्राने के तौर पर या अल्लाह तूने हमें इतनी अजीम किताब अता की, उस किताब के शुक्राने में पहले हम रोजे रखते हैं और उसके बाद फिर अब हुक्म होता है तुमने ये मजदूरी की, अब कुल बिफ़ज़लिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिक फलयफ़रह, अल्लाह का फजल मिलने पर और उसकी फरमाया के रहमत के मिलने पर तुम खुशियां करो। अब वो जो खुशी है, अब कुरान का ईद के साथ जो हम पैगाम देना चाहते हैं, कुरान मजीद में नया आयत करीमा जो आपके सामने पड़ी है उसमें अल्लाह ताला ने यही इरशाद किया। अल्लाह फरमाता है इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक्वम, दुनिया में बड़े रास्ते हैं, देयर आर मेनी सिस्टम्स इन द वर्ल्ड, अल्लाह फरमाता है देयर आर मेनी वेज ऑफ वॉकिंग इन द वर्ल्ड, देयर आर मेनी वे ऑफ लाइफ द पीपल आर प्रेजेंटिंग टू यू, मगर इन हाज़ल कुरान यहदी ये कुरान कहा तुम्हें बिल्कुल वो राह बताता है जो सीधी तरीन राह है। गौर करें रमजान का महीना है, अभी कल ही आखिरी रोजा था और परसों इस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा टेम्परेचर था दिन के वक्त नियरली 30, लॉन्ग फास्टिंग डे है। आपने रोजा बंद किया 3 o'clock और उसके बाद नियरली शाम के इवनिंग के 8 o'clock रोजा पर लेकर 9 o'clock भूख भी लगी है, यू आर हंग्री, प्यास भी लगी है, यू आर थर्स्टी, यू आर सिटिंग इन अ रूम, नो वन इज लुकिंग टू यू, और सामने डिफरेंट काइंड के जो ड्रिंक्स हैं वो पड़े हुए हैं फ्रिज में, ठंडे मशरूबात और कोल्ड ड्रिंक पड़े हुए हैं, नो वन इज लुकिंग टू यू, आप नहीं उठते जाके फ्रिज से बॉटल ऑफ ड्रिंक निकालू और पीऊं, हालांकि पानी का पीना हलाल है, हलाल खाना हलाल है, मगर आप नहीं खा रहे, आप नहीं पी रहे, क्यों? कि आपके दिल में ये तसव्वुर है, यू आर थिंकिंग, यू नो ऑल दो नो वन इज लुकिंग टू मी, अल्लाह इज लुकिंग टू मी, और वो ऐसे लुक करता है, हाउ ही लुक्स, अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह अलीमुन बिज़ाति सुदूर, तुम्हारा अल्लाह उन ताकतों का मालिक है, तुम्हारा अल्लाह उन कुव्वतों का मालिक है, Your Allah is that mighty God and Allah
What you think in your heart, he knows it. अब जरा तो सबर करें वो शख्स. अब यही तो सबर जो है ना रमजान का, कि यू आर सिटिंग इन ए रूम, नो वन इज वॉचिंग टू यू, नो वन इज लुकिंग टू यू, मगर आप पीते नहीं है, यू डोंट ड्रिंक, यू डोंट ईट, although no one is looking to you, because you think I am in fasting, और मेरे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तुम तुलुए फजर from dawn to dusk you can't drink and eat anything, although these are halal things. बस इसी तस्वर को, the same thinking, the same idea, we got a month training in Ramadan. अब उसके बाद फिर इसी को हमने कायम और दायम रखा. ये तसव्वुर जितना पक्का होगा, द स्ट्रॉन्ग दिस थिंकिंग इज, इतना ही ज्यादा आप जो है यू विल बिकम द राइटियस. यही तसव्वुर है जो इस्लाम अपने मानने वालों के दिलों में बिठाना चाहता है. आप कुरान मजीद का कोई सुपारा उठाएं, एनी पार्ट ऑफ कुरान, वहां बार बार अल्लाह की जलालतों का जिक्र हो रहा है, अल्लाह की किबरियाई का जिक्र हो रहा है, अल्लाह ताला की बड़ाई का जिक्र हो रहा है, अल्लाह ताला की अजमतों का जिक्र हो रहा है, अल्लाह ताला की शानों का जिक्र हो रहा है, अल्लाह ताला की जलालतों का जिक्र हो रहा है. ये क्यों हो रहा है? ये सिखाया जा रहा है, ये पढ़ाया जा रहा है, ये हमें समझाया जा रहा है. अरे लोगों, एक वक्त होगा जब तुम अल्लाह के हुजूर पेश होगे और फिर वहां तुमसे पूछा जाएगा, और ऐसा पूछा जाएगा कि फमाइया मल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमाइया मल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा. इफ यू हैव डन ए स्मॉल गुड थिंग, you will see it, and if you have done a small bad thing, you will see it. Ab ye, how I can differentiate what is good and what is bad? Allah ne apni kitab ke andar Qurani Majeed ki ek correct, one of the characteristic of Quran, Allah farmata hai inna hazal Quran yahdi lil lati hiya aqwam. ये कुरान है जो तुम्हें राह दिखाता है, ऐसी अकवम द मोस्ट स्ट्रांग वे. क्यों? ये कुरान उसकी तरफ से नाज़िल हुआ है जो सबसे ज्यादा मजबूत है. तुम्हें भी अल्लाह ताला मजबूत बनाना चाहता है, मगर इसके लिए मुझे और आपको इस कुरान की तरफ ऐसे जाना पड़ेगा जैसा कि इस कुरान का तकाजा है. हमारा आज का मसला ये है कि मैं पहले कुछ आइडियाज, कुछ थिंकिंग, कुछ जो है वो वे ऑफ लाइफ अपने जेन में रखता हूं, एंड देन आई केम टू कुरान एंड आई वांट सपोर्ट फ्रॉम कुरान ऑफ दैट. कुरान ने कहा है कि ये कुरान नूर, इसे किसी खारजी हैसियत की जरूरत नहीं. ये जिस नबी पर आया है वो नबी भी नूर है, जो लाया है वो भी नूर है, और जिसकी तरफ से आया है वो भी नूर है. लिहाजा कायनात के अंदर नूर फैलाना चाहते हो, इफ यू वांट spread the light of human being, उसके लिए क्या है? इस कुरान के पास उसी तरह आओ जिस तरह के कुरान हमसे तकाजा करता है, और उसका यह है इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक्वम. मगर वयुबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूनस सालिहात,
ये खुशखबरी देता है इंसानियत कब निकलती है, हमारी जो हकीकी नूरानियत है वो कब बाहर आएगी, जब मोमिन बनकर अपनी जिंदगियों को इसके मुताबिक ढाल दे। इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक्वम व युबशिरुल मुमिनीन الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا। कहा जो ईमान लाने के बाद इस पर अमल करेंगे उनके लिए हमने अजर कबीर तैयार कर लिया। We have prepared for them a great reward, reward in this world also. And a reward in hereafter. Quran सिर्फ आखिरत का वादा नहीं करता, ये नहीं कहता कि तुम्हें आखिरत में कामयाबियां मिलेंगी, बल्कि कहा वाली मन खाफा मकामा रब्बी जन्नतान, जो अपने रब से डर कर उसकी राह पर चल खड़ा हुआ, हमने उसके लिए दो जन्नतें तैयार कर रखी। ये दुनिया भी जन्नत बना देंगे और जब कल क्यामत में हमारे सामने आओगे तो वहां भी जन्नत। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला, लोग समझते हैं कि शायद के मजहबी बन गए, इफ वी विल बिकम ए रिलीजियस पर्सन देन इट मीन इट्स वेरी डिफिकल्ट वे, नॉट एट ऑल। यह है मजहब इंसान की खुशी दिल से लाता है। आप देखें बहुत से लोग हैं, दे हैव एवरीथिंग बट देयर माइंड एंड हार्ट इज नॉट सैटिस्फाइड, क्यों? कि ये सब कुछ अल्लाह के करीब होने से इंसान हज़रत अबू हुरैरा ही वाज वीपिंग इन मस्जिद नबवी। किसी ने पूछा ऐ हज़रत अबू हुरैरा क्यों रो रहे हो, डर रहा हूं कि अल्लाह ताला ने कहा इस्लाम पर चलो तो हम तुम्हें जन्नतें देंगे, डर रहा हूं दुनिया में अब जन्नती माहौल मिल गया है, कहीं ऐसा ना हो कि आखिरत की जन्नत से महरूम ना हो जाओ, बस यही खौफ जो है इससे डर रहा हूं। ये आखिरत का खौफ ही वजह है इस आयत के बाद मुतसिल अगली आयत में है, जहां ये है ना कि इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक्वम व युबशिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहात अन्न लहुम अजरन कबीरा, और साथ ही है कि जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके लिए हमने अजाब अलीम तैयार कर दिया है। बस व्हिच इज द डिफरेंस बिटवीन द लाइफ ऑफ ए मुस्लिम and in non-Muslim. Muslim thinks that I have not to get the betterment, the welfare of this world, but also in their life. Hari namaz ka waqt jo hai, wo qareeb ho gaya hai. Sirf main us dua par apni baat ko upar jagah agar maujood hai to phir thoda sa mazaa kar le ke intezaar karne ki zarurat nahi. बस मैं ये पैगाम दे दूँ, टाइम पर तारी नमाज खड़ी हो जाए ताकि उसके बाद बाकी नमाजें जो हैं वो भी हम दुआ करते हैं। फितराना जो है उसके दो मसले बाद ये, अब एक दुआ के मोमिन दूसरे पारा में कुछ लोग वो हैं जो सिर्फ ये कहते हैं या अल्लाह हमें दुनिया दे, अल्लाह फरमाता है जो सिर्फ दुनिया के तालब होते हैं हम उन्हें दुनिया दे देते हैं, मगर वमालहू फिल आखिरत मिन खला, उनके लिए फिर हिराफ्टर कियामत के दिन कुछ नहीं होगा। फिर फरमाया वा मिनन नास मन यकूल, कुछ लोग हैं जो हमेशा हमारे हुजूर ये इल्तिजाई करते हैं, क्या? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله ہمیں یہ دنیا ہمارے لیے حسین بنا، یہ دنیا ہمارے لیے بہتر بنا، یہ دنیا ہمارے لیے اچھی بنا. Oh Allah, make this world for us good and better, and hereafter also better, and save us from the punishment of the fire. تو مومن صرف دنیا نہیں چاہتا، یہ آخرت بھی چاہتا ہے، اور آخرت چاہنے کے لیے جو قرآن کا مسئلہ ہے، اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن ہے جو مضبوط ترین رشتہ، مضبوط ترین نظام، مضبوط ترین طریقہ تمہیں دینا چاہتا ہے. آئیے میں اور آپ اگر اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی قوم کو ایک مضبوط قوم بنانا چاہتے ہیں، تو پھر قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق لے. وہ کہہ فرمالے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عید الفطر کے اس پیغام کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. مسجد کے لیے کلیکشن یہ ہمیں کہنے کی ضرورت، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ سب بہتر جانتے ہیں. آج کے دن جہاں آپ عیدی دیں گے ہر ایک کو، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، تو وہاں پر مسجد کے لیے عیدی ہے یہ، اور یہ عیدی جو ہے مسجد کی، اس کا جو ریوارڈ ہے وہ انشاءاللہ قیامت کے دن جب ہم اس دنیا سے اگلی دنیا کی طرف جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا عطا کرے گا. اللہ فرماتے ہیں اجرن کبیرہ، ہم بہت بڑا اجر، ایک گریٹ ریوارڈ از ریڈی فار یو. تو آپ مسجد کے لیے بھرپور تعاون کریں، اور فطرانہ، یہ فطرانے کے لیے، اب یہ فطرانے کے لیے، فطرانہ جو ہے 4 pounds پر ہے، گھر میں اگر دو آدمی ہیں تو 8 pounds، ایک ہی آدمی ہے تو 4 pounds. اگر ان ون ہاؤس دیر آر 5 persons دین یو ہیو ٹو پے 20 pounds، اور نماز سے پہلے ادا کر دینا، یہ حکم رسول، دس از دا کمانڈ آف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یو شوڈ پے فطرانہ بیفور نماز، بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ اف یو ڈونٹ پے ڈونٹ انٹر ان اور مسلح، ڈونٹ انٹر ان دا پریئر آف عید، اور اس میں روزہ رکھا ہو یا نہ رکھا ہو، پھر بھی فطرانہ جو ہے وہ صاحب انصاف نے ہی ہیز ٹو پے فطرانہ. یہاں تک کہ آج صبح اس نماز سے پہلے ایک بچہ پیدا ہو گیا، اے بیبی واز بورن اینڈ وی ہیو ٹو پے فطرانہ فار ہیم فار ہر. یہ تو 4 pounds فطرانے کا، میں صرف نماز عید کا طریقہ بتا رہا ہوں.